चित्तौड़गढ़ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला कलेक्टर के शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला मुख्यालय के अस्पताल समेत जिले के सभी सीएससी और पीएससी पर भी कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जाए और साथ ही जिला मुख्यालय पर 100 बेड ऑक्सीजन के साथ तैयार किए जा रहे हैं। तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर के शर्मा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पीके अग्रवाल ने। चित्तौड़गढ़ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ये तय हो चुका है कि निश्चित तौर पर प्रशासन सक्रिय हो गया है और जिला अस्पताल के अलावा छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारे साथ में जिला कलेक्टर के शर्मा हैं, जानने की कोशिश करेंगे जिस तेजी से चित्तौड़गढ़ जिले में संक्रमण बढ़ रहा है उसके बीच किस प्रकार की व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे जिले में और खास करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और जो कोविड केयर सेंटर यहाँ पर स्थापित किया हुआ है डेडिकेटेड, उसमें हम माकूल व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं आपस में। एक तो हमने ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ा दी है, यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू हो गया है। डेडिकेटेड जो हॉस्पिटल है हमारा, कोविड केयर सेंटर हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी 40 बेड हम ऑक्सीजन बेडेड करने जा रहे हैं और लगभग 100 बेड के करीब हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो चुके हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बेडेड बेड्स अवेलेबल हैं आपस में। इसके अलावा जितने भी सीएससीज हैं ज़िले की, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रचुर मात्रा में रहे, इसकी भी हम सुनिश्चितता कर रहे हैं। आज ही मेरे द्वारा कोविड प्रभारी है यहाँ पे डॉक्टर संजीव टाक, उनके द्वारा और बाकी अधिकारियों द्वारा जितने भी ज़िले के बीसीएमओज हैं, एसडीएम्स हैं, ईओज हैं, बीडीओज हैं, उनसे बातचीत करके और रिव्यू करके कोरोना संक्रमण को देखते हुए सारी व्यवस्थाएँ चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए उनको निर्देश दिए गए हैं और ये खास करके हिदायत दी गई है कि जो हाई रिस्क ग्रुप वाले लोग बाग हैं उन पे विशेष फोकस करें, उनका सर्वे करें, उनके टच में रहें, उनकी मॉनिटरिंग करें और जरा से भी यदि लक्षण पाए जाते हैं तो उनकी सैंपलिंग करवाएं और उनकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें ताकि किसी भी तरह की मोर्टिलिटी को रोका जा सके। प्रदेश के कई जिलों में ऑक्सीजन प्रॉब्लम आने लगी है, निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी बाधित हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले में ऑक्सीजन की समस्या न रहे, इससे निपटने के लिए किस प्रकार के इंतजाम हैं? देखिए, मैंने बताया आपके यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुका है और फिलहाल हमारे यहाँ पे इस तरह की कोई समस्या नहीं है आपस में। दूसरी बात करें कि जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं उनको नियंत्रण के लिए जिस प्रकार से अपन ने स्क्रीनिंग का युद्ध स्तर पर कराई गई थी, सैंपलिंग भी चल रही है लगातार, लेकिन केस भी लगातार बढ़ रहे हैं, फिर से कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से प्लान ए और प्लान बी जो प्रशासन का रहता है, किस प्रकार से प्लान अमल में लाए जा रहे हैं? देखिए, प्लान ए और बी दोनों रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्टीमेटली लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को आगे आना पड़ेगा कि छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, मास्क पहने, चेहरा और मुंह अपना ढके रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ धोएं, दो गज की दूरी बनाए रखें और इस बात की ताकीद करनी है, लोगों को समझाइश करनी है कि वो हर एक दूसरे को रोके और टोके कि वो मास्क पहने और अपना खुद का ध्यान खुद रखे आपस में, तभी वो बच पाएगा आपस में। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से चाहते हैं कि नो मास्क नो एंट्री, ठीक उसी तरह से अब पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया है। और बात करें चित्तौड़गढ़ जिले की तो यहाँ एक अभियान और चल रहा है, टोकें और रोकें। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण से बचना है तो बचाव ही इसका उपचार है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।